अब हम देखें, पहले मैंने आपको सिर्फ पढ़ाया था कि ये अल्फाज है, ठीक है, और ये इनकी मीनिंग है, और ये चीज जो है वो ऐसे है, ठीक है। अब आप लोग कैसे जानोगे जब रीड कर रहे होंगे तो कौन से वर्ड तो हम साइलेंट करें और कौन से वर्ड तो हम नहीं करें, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं, ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा डब्ल्यू और आर का कनेक्शन, ठीक है। डब्ल्यू और आर डालिंग जब भी आएगा, ठीक है, डब्ल्यू आर जब भी आएगा तो ये डब्ल्यू जो है वो अपना साउंड खत्म कर देगा, ठीक है, आर का साउंड आएगा। आप आज आपको जो है मैं जो दे रहा हूँ आपकी क्या बोलते हैं होमवर्क जो है आपका, फाइव फाइव वर्ड्स आपने ऐसे निकालने हैं, ठीक है, डिक्शनरी के साथ जी, और कौन से निकालने हैं जिसके बारे में सिर्फ आज हमने बात की, का आगे नहीं जाना है, ठीक है। फाइव वर्ड्स आपने ऐसे निकालने हैं जिसमें नॉलेज जैसे वर्ड आ रहे हो, ठीक है। फाइव वर्ड्स आपने ऐसे निकालने हैं जिसमें ब्राइट जैसे वर्ड आ रहे हो, ठीक है, बी आर, बी आर, ठीक है, इस तरह के वर्ड। और साइकोलॉजी वाले रॉन्ग है, ये डब्ल्यू आर एक ही है, ठीक है, इसके लिए दोनों के आप फाइव ही निकाल दो, डब्ल्यू आर। अब ये एच ओ है, इसके फाइव अलग आएंगे, इसके अलग आएंगे, ये एच ओ और एच ओ, ठीक है, इनके भी फाइव ही बनेंगे, ठीक है। अब आपके पास टोटल कितने हो गए, फाइव फाइव टेन फाइव फिफ्टीन फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव एंड थर्टी, 30 words you have to write in your homework, okay, आप अपने homework में लिखकर लेकर आने। अब देखो ये समझ आ गया, W R घूम कर भी आएगा। अब इसी तरीके से आप example लेते हैं, कोई word आप जो है बताइए। 30 words. Sorry, 30 words. मैं आपसे कह रहा हूँ W R की word बताइए। Writing, written. ये तो मैंने लिख दिया ना, write हो गया। Write हो गया। Write से ये word निकाला। Write में change, change निकाला। Write से change. जैसे अब देखें, राइट भी हो गया और रॉन्ग भी हो गया। अब आपको समझ आ गई कि अगर डब्ल्यू आर से पहले अगर डब्ल्यू है तो साइलेंट है, ठीक है। अब उसी तरीके से हम थोड़ा सा जो है इमेजिन करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कौन सा वर्ड जो है हमारे पास डब्ल्यू आर से स्टार्ट हो रहा है। तो डब्ल्यू आर से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है नहीं, मैं आपको खुद से बता देता हूँ। डब्ल्यू आर WR से हमारे पास जो वर्ड है, ये वर्ड सोचने लगे तो डेढ़ घंटा लग गया। तभी मैं आपको तभी बता रहा हूँ, ये सोच के लिखे थे, ये आखिरी वर्ड देखा नहीं था हमने, आप यहाँ पे नहीं कहा। आपको थोड़ी बोलते हैं, आप तो उसमें जो बात होती है दूसरे की बात नहीं होती। नहीं, हम दूसरे के बारे में बात नहीं करते, हम अपने बारे में बात करते हैं। WR words आप ढूंढने बातें नहीं करते, आपका डिक्शनरी है जाने, आप देखिए सर्च आउट करें। ठीक है, WR से वर्ड्स हमारे पास जो है जल्दी ढूंढिए सब आप। नो WR, क्योंकि मुझे इसकी एग्जांपल देनी है, बाकी तो आपका होमवर्क है जी। आपने नहीं, आप देखिए अपने अब ये डब्ल्यू आर भी हमारे पास हो गया, और दूसरी बात ये कि जैसे एंड हाउ डू यू स्पेल, वेरी गुड, डब्ल्यू आर ए टी पी रैप। तो ये डब्ल्यू जो है इज साइलेंट और ये रैप नहीं पढ़ा जाएगा, रैप पढ़ा जाएगा, एंड यू हैव टू स्पेल इट और यू हैव टू से इट रैप, ओके, समझ आ रही है। रेस्ट 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 डब्ल्यू आर ई एस टी आर ई एस टी। अब आप खुद देखिए आप खुद क्या कह रही है, रेस्ट, क्योंकि डब्ल्यू इज साइलेंट। जब भी वेरी गुड, रेस्ट जो है हमारे पास, वेरी गुड, सही बता रही है, डब्ल्यू आर आई एस टी एस टी, ओके S T, तो ये हमारे पास रिस्क आ गया एंड W is silent। समझ आई बात, क्लियर हुआ। अब ऐसे ही कुछ आप वर्ड डाल कर देंगे, अगर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा तो हमको बहुत अच्छा होगा, ये समझ आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों की मिस्टेक कोई बारी ना है जारी, अगर आपका कोई मसला होता है, ठीक है, तो फिर हम जो है रिवाइज करेंगे, कल आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर सर वर्ड्स नहीं आए आपके तो वापसी आके दोबारा नहीं, अगर आपके आपके माइंड में नहीं आते हैं तो आप जो है फिर आप
वर्ब से हटने हैं, जैसे अभी आपने डिक्शनरी का फिर मतलब उससे हट लिए तो आप डिक्शनरी से यूज कर सकते हैं। नहीं नहीं आप ओके गॉट इट ऑल यस सर थैंक यू।